नमो भगवते वासुदेवाय ओम नम वासु <coughs> नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं ततो जय मुदीरये नष्ट प्राशुभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद् भागवतम स्कंद दस अध्याय ग्यारह श्लोक क्रमांक दस और ग्यारह के ऊपर मैं थोड़ा प्रयास करूंगा बोलने का हम लोग उच्चारण करेंगे दसवें श्लोक का क्रीणी भो, फलानी थी। ग्रीनी ग्रीनी भो थी। थी। दान्यमादाया दान्यमादाया। फला श्रुआ सत्वर मच्युता फलार्थी धान्य आदा यो सर्व फलप्रद ही ही आकर खरीदे खरी बोहो, बोहो हे पड़ोसियों फलानी पके फलों को, को। इति इस प्रकार श्रुवा सुनकर सत्वरम शीघ्र अच्युत श्री कृष्ण फल अर्थी मानो उन्हें कुछ फल चाहिए, चाहिए। धान्यम आदाय कुछ धान लाकर, लाकर। यो फल बेचने वाली के फल बेचने वाली के पास गए सर्व फल प्रद हरेक को सभी फल प्रदान करने वाले श्री भगवान को अब फल चाहिए थे अनुवाद तथा तात्पर्य अंग्रेजी में परम पूजस् जी के द्वारा एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी हे ब्रज भूमिवासियों यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ यह सुनकर तुरंत ही श्री कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे तात्पर्य सामान्यतया आदिवासी लोग गांव में फल बेचने जाते हैं यहां पर बताया गया है कि आदिवासी भगवान श्री कृष्ण से कितने अनुरक्त थे आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अंजलि में धान लेकर फल खरीदने चले आए क्योंकि अन्यों को ऐसा करते उन्होंने देखा था उसके बाद वाला श्लोक का भी उच्चारण करेंगे एक ही बार करेंगे फल विक्रयिणी तस्य चूत धान्य फलेरा फल भांडम पुरीच जब भगवान श्री कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा बहुत सा अन्न गिर गया फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई तात्पर्य श्रीमद भगवदगीता अध्याय के २६वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमि भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परहितम अशनामी भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती एक फल एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो वे तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं शर्त केवल इतनी ही है कि ये चीजें भक्ति पूर्वक समर्पित की जाए यो में भक्तिया अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूलकर कुप्पा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और मैं श्री कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूं तो श्री कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्ण बर्ताव किया और कहा कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो तुमने सारा अन्न गिरा दिया है फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो इस तरह उसने भगवान श्री कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जित जितने उसमें आ सकते थे बल्ले में श्री कृष्ण ने उसकी सारी डलियां को रत्नों तथा सोने से भर दिया इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले वे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं मूल बात है प्रेम का विनिमय इसलिए श्रीमद गीता नौवे अध्याय के सत्ताइसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं य करोषि यदस्नासि यद जुहोषि ददास यत यद, यद, यद।, यद तपस्सी कौनते तत्कुरुषो मदर्पणम हे कुंती पुत्र तुम जो भी करते हो जो भी खाते हो जितना भी होम करते हो या दान में देते हो तथा जितनी भी तपस्या करते हो वह सब मुझे भेड़ स्वरूप दो मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो इसमें उसी का लाभ है इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें तो बदले में श्री कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम भी सुखी होंगे श्रीकृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे हैं, अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं ओम ज्ञान तीरंद से ज्ञान जन शलाक तस्मै श्री गुरव नम श्री चैतन मनोभीष्टम स्थापितूतले स्वयं रूप कदम हिय स्वदाति हम वंदेह श्री श्रीगुरश्रीयुतपकल श्रीगुरवांस श्रीूपं रघुनाथान वितम तम सजीव सात सवदूत परिजन सहित कृष्ण श्रीराधापाद सहगणललिता श्री विशाखान्वताच हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत, कांत नमोस्तुते नमस्तते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशपादेवी प्रणमा हरिप्रिय कृष्ण चैतन्य प्रभो नितानंद श्रीअद्वकदाधर्शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो ये यहां से दसवें श्लोक से लेकर बीसवें श्लोक जो है इसमें कुछ पुनः भगवान की बाल्य लीला और जो व्रज की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है सनातन गोस्वामी कहते हैं कि और जीव गोस्वामी भी बताते हैं कि ये दस से लेकर बीसवें श्लोक तक स्वामी कौन है स्वामी श्रीधर स्वामी ने टीका नहीं लिखी है तो कुछ लोगों का ऐसा संशय है कि क्या ये प्रक्षिप्त श्लोक है क्या स्प्यूरियस इंटरपोलेटेड एड या उसमें ऐड किया गया है या कुछ लोगों का संशय है लेकिन आ, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है स्वामी ने जो भागवतम की प्रति प्रति बोलते मेनोस्क्रिप्ट को या कॉपी जो की है उसमें भी ये श्लोक पाए जाते हैं जो बाबा थतीपिका के साथ जो हमें जो जो मिलता है जो उन्होंने क्योंकि उनके भी खुद के भी लिखी हुई मेनोस्क्रिप्ट होगी स्वामी की उसी में ये श्लोक मिलते हैं ही माइट नॉट लेकिन वो है और चित सुख जो एक मायावादी भाष्यकार है या टीकाकार है हालांकि टीका और भाषा में फर्क होता है पड़े नहीं कॉमेंटेटर भागवतम पे कुछ मायावादी मायावादियों ने भी कुछ टीका लिखी है चित सुख उसमें से एक है हालांकि प्रभुपात कहते हैं कि शंकराचार्य ने कभी आ, उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं लिखी है भागवतम के ऊपर क्योंकि वो जानते थे कि इसमें मायावाद के लिए कोई स्थान नहीं है एनी anyway, तो चित सुख ने भी उसके ऊपर कॉमेट्री लिखी इन दस लोगों के ऊपर तो ये प्रश्न हो सकता है कि अरे भाई हम लोग मायावादी को यहां क्यों कोट कर रहे हैं सवाल या ये बात यहां ऐसी है कि हम लोग मायावादी का यहां को सिद्धांत कोट नहीं कर रहे हैं सनातन गोस्वामी अजीव गोस्वामी या बात हो रही है श्लोकास बींग स्प्यूरियस और नॉट इसके विषय में बात हो रही है कि श्लोक प्रक्षिप्त है कि नहीं उसके बारे में बात हो रही है तो चित भले ही मायावादी रहे हो लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री लिखने के लिए जो प्रति जो, जो उठाई होगी जो ली होगी वो ऑथेंटिक होगी एंड ही हैज सम रेप्यूटेशन चित जो है वो स्कॉलर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन है और तत्ववादी लोग भी इन श्लोकों को रेकग्नाइज करते हैं तो जैसे भागवत तात्पर्य निर्णय मधुआचार्य का और भी जो सब कॉमेंट सब कॉमेंट्री जो बाद में हुई है वो लोग उसमें भी ये दस श्लोकों को रेकग्नाइज किया गया है इसलिए भले ही श्रीधर स्वामी ने इसके ऊपर टीका ना लिखी हो बट फिर भी आ, इसमें भगवान की और आगे सनातन तो गोस्वामी स्वामी बता रहे हैं कि इसमें रस भी है इसमें दिव्य रसों का आस्वादन हम अनुभव कर सकते हैं यहाँ जैसे ये पुलिंद जाति की स्त्री है उसके बारे में वर्णन हो रहा है वो कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति है प्रेम है भक्ति उसने दिखाई है उसके प्रति उसको प्रेम मिलेगा तो प्रभुपाद यहां बता रहे कि सामान्यतः आदिवासी लोग गांव में फल बेचने जाते हैं ऐसे हम लोग बचपन से हम लोग देखे आ, देखते आ रहे हैं हालांकि ये सब धीरे धीरे ये संस्कृति भी जा रही है अभी सब कुछ मॉल्स में मिलता है रिलायंस ग्रीन रिलायंस फ्रेश है ना ऐसे सब मॉल्स चलते हैं हर एक चीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ऐसे ही हमारी सोसाइटी में या मोहल्ले में ऐसे लोग वेंडर्स आते थे और बेचते थे चीज़ें हालांकि ये बात है कि हमने कभी बाटर सिस्टम नहीं देखी एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है आप लोगों तो ने भी शायद बाटर सिस्टम नहीं देखा कुछ गांव में अभी भी प्रचलित तो होगा तो मुझे नहीं पता आपने देखी है बाटर सिस्टम गाँव में अभी भी अच्छा अच्छा कुछ गांव में अभी भी चलता होगा जो अच्छा है क्योंकि उसमें कुछ कॉमोनिटी के सामने कॉम्योनिटी दी जा रही है लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें तो बड़ी समस्या है इट्स अ वेरी डिस्प्टिव सिस्टम कुछ कॉमोनिटी हम लोग खरीद रहे हैं उसके बदले में करेंसी नोट देते हैं या कुछ आजकल तो सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले नंबर फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन कीप्स ट्रैवलिंग राइट एक्चुअल कुछ नहीं होता एनीवे anyway, वो अलग विषय है बहुत बड़ा विषय है वो क्योंकि कलयुग दोषों निधे राजन कलयुग दोषों का निधि है कलयुग में बहुत ऑफ फॉल्ट ऑफ़ जगह हर जगह हर, जग, हर एक चीज में फॉल्ट है कलयुग में तो ये इकोनॉमी का ये इंटीग्रल पार्ट है ये वाणिज्य और ये विनिमय चीजों को खरीदना और बेचना उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है पूरा उसमें भी बहुत बड़ा डिसेप्शन है आजकल एनीवे anyway, तो प्राचीन जो व्यवस्था थी वो बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं कोई प्रॉपर विनिमय वस्तु, वस्तु विनिमय तो यहां पर बताया कि आदिवासी भी प्रोपाल इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे हैं एबोरिजिन और आ, हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं ये पुलिंद जाति की स्त्री है हालांकि श्लोक में स्पष्ट रूप से इस प्रकार से शब्द नहीं मिलता है लेकिन पुलिंद कौन है जो एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हैं और इस प्रकार से चीजों को बेचते हैं इसलिए वहां बताया कि ये पुलिंद जाति की स्त्री थी तो वो तो कोई आ, अच्छे कुल के लोग नहीं माने गए हैं लेकिन आ, व्रज में कृष्ण के प्रति सभी लोग अनुरक्त थे क्योंकि जीव का स्वाभाविक स्वभाव जीव का स्वभाव है कृष्ण को प्रेम करना उसके जीवन स्वरूप है कृष्ण रनित नित्य दास <coughs> तो जब कृष्ण इस धरातल पर जब लीला कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उनके उपस्थिति से <coughs> कम से कम जो निर्दोष लोग थे वो कृष्ण की उपस्थिति की वजह से वो शुद्ध हो गए और स्वाभाविक उनका कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हो गया था अः चैतन्य चरितमृत में बात आती है और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति मायावादियों का संग करता है मायावादी भाषा सुनता है वो कभी कृष्ण का भक्त नहीं बन सकता जो कृष्ण का अपराधी है वैष्णव का अपराधी है वो कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करता लेकिन जो निर्दोष लोग हैं वो तुरंत उनके हृदय में कृष्ण भक्ति उदित होती है क्योंकि वो तो सुषुप्त अवस्था में ऑलरेडी है प्राचीन काल से अनादि काल से तो यहां बताया कि वो आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरक्त थे और जब श्रीहरि इस धरातल पर लीला कर रहे थे तो उन्होंने सभी प्रकार के लोगों का उद्धार करने के लिए चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में ही कृष्ण के प्राकट्य और महाप्रभु के प्राकट्य का कारण बताए गए हैं तीन कारण बताए गए तो कृष्ण खास करके लीला माधुर्य कृष्ण के में में। तो रूप में जो प्रकट हुए वो मूल रूप में स्वयं भगवान या स्वयं रूप में जब प्रकट हुए तो अपना लीला माधुर्य खास करके वो चार माधुर्य उन्होंने अपने प्रकट किए सभी चार माधुर्य तो आदिवासियों पर भी अनुग्रह करने के लिए क्योंकि भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते भगवान सबके प्रति समान है तो भगवान के अनंत दिव्य गुण है उसमें से एक है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते इसकी चर्चा ब्रह्मसूत्र में भी आती है कई बार लोग अपने जीवन में सुख दुखादि द्वंद्व जो भोगते हैं उसका आरोप भगवान पर करते हैं लेकिन बादरायण पूर्व पक्ष उठा के वहां उसका क्या बोलते इंग्लिश में निर्यास उस सिद्धांत को रिफ्यूट करते हैं निरसन करते हैं कि नहीं बात ऐसी नहीं है वो जीव अपने कर्म की वजह से अलग अलग सुख दुखादी भोगता है ईश्वर सबके प्रति सम है समान है तो ये यथाम प्रबद्ध ताम सत्यों बजाम जिसकी जैसे जैसा भाव है उस प्रकार से मैं उसके साथ विनिमय करता हूं तो यहां आ, व्रज और व्रज के आसपास के जो वन थे उनके आसपास के एरिया जो भी वहां के सभी लोगों के प्रति को को कृष्ण के प्रति जो अनुराग था तो भगवान ने उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए वो जब वो पुलिंद स्त्री वहां आई वो तो हरोजी बेचने के निकलती थी तो यहां भगवान जो है वो कृष्ण भगवान है लेकिन वो अभी भगवान की तरह लीला नहीं कर रहे आई मीन वॉट मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं वैकुंठपति की तरह कि मैं ईश्वर हूं मैं ईश्वर हूं नहीं व्रज में तो इस प्रकार से भाव नहीं होता है भगवान का व्रज में कृष्ण का भाव होता है कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं मैं यशोदा माता का पुत्र हूं मैं अपने श्रीदामा सुदामा इत्यादि गोप का सखा हूं मैं मेरे दाऊ बलराम का छोटा भाई हूं मैं गोपियों का प्रेमी हूं इस प्रकार से भगवान का भाव होता है तो यो, योग माया से भगवान वो स्वेच्छा से भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं तो ये जो इस जो आदिवासी पुलिंद जाति की स्त्री है और सभी प्रकार के लोगों के लिए भगवान उनका उद्धार करने के लिए उनका अनुग्रह करने के लिए उनको प्रेम देने के लिए इस प्रकार से लीला करते हैं और तो आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान जब उन्होंने आवाज सुनी कि स्त्री आ रही फल बेचने के लिए तो साधारण बच्चे क्या करते हैं यहां बताया कि प्रभुपात बता रहे हैं कि क्योंकि अन्यों को ऐसा करके उन्हों, करते उन्होंने देखा था <laughs> बच्चा क्या है? बच्चा करता है बच्चा इमिटेट करता है बच्चे का स्वभाव होता है नकल करना दूसरों की तो हम लोग आ, मैं तो गृहस्थ हूँ मेरे अपने बच्चे देखे और आपने भी दूसरों के बच्चे देखे आपको पता है तो आ, बच्चे नकल करते हैं कोई इसलिए इसलिए बच्चों के सामने सिद्धांत ये भी उसमें से है कि आ, बच्चों के सामने भी बहुत ही सोच समझ के हमें व्यवहार करना चाहिए चाइल्ड अब्यूज का मतलब ये नहीं सिर्फ ये ही नहीं है कि आप उसको खूब मारो पीटो उसको खाना नहीं दो सेक्सुअली अब्यूज करो सिर्फ एकमात्र वो ही नहीं है चाइल्ड अब्यूज ये भी है कि छोटा सा बच्चा बैठा है अब चेयर पर बैठा है उसके सामने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं उसके माँ बाप गाली गरोज कर रहे हैं थप्पड़ मार रहे हैं बहुत उल्टा सीधा बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है डिवोर्स ये वो दिस इज चाइल्ड अब्यूज फिर बच्चे के ऊपर भी उसी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं फिर वो वो भी भविष्य में क्योंकि उस बचपन में उसने वही देखा है तो भविष्य में वही नकल करेगा वो एक साइड पॉइंट है तो बच्चा जैसे नकल करता है वो तो भगवान यहाँ भगवान भी साधारण कपट मानुष्य भगवान मनुष्य की तरह यहाँ कपट कर रहे हैं मतलब ये कपट जो है वो तो हमारे हित के लिए है वह साधारण बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं उन्होंने पहले देखा था कि लोग जो है वो जब फल वाली आती है ऐसो दूसरी कोई चीज लेकर आते तो कुछ घर में से हम लोग कुछ धान कुछ अन्न लेकर जाते हैं उसको देते हैं, उसके में हमें वो मिलती है। तो भगवान तो उस, तो किया उन्होंने भी उन्होंने घर से कुछ कहीं से भी घर से भी नहीं यहां बताया आचार्य बता रहे सनातन गोस्वामी कहीं से भी टाउन में से कहीं से भी धान उठा लिया थोड़ा और चल दिए इसके पास और जब उसके बाद वाले श्लोक में बताया है कि जब श्री कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे यहां ये लीला का जो वर्णन हो रहा था उसमें आप थोड़ा समझ सकते हैं थोड़ा कल्पना कर सकते हैं कि भगवान का कितना सुंदर रूप और आ, उनके पैरों में आ, क्या बोलते हैं पैजनिया क्या बोलते हैं पैजन पैजन तो छमक छमक बज रहे होंगे क्योंकि बच्चों को सब। आभरन, Actually, ये सब आभरण आभूषण अलंकार एक्चुअली ये सब शब्दों में भी अलग अलग टेक्निकालिटीज है वो उज्जवल नीलमढ़ी में रूप को स्वयं बताते हैं अलंकार क्या होता है आभरण क्या होता है यानी वो तो टेक्निकल विषय हो गया रस के संदर्भ में तो उनके अलग अलग अलंकार पहनाए होंगे यशोधा मैया ने और आजकल तो बच्चों को कुछ ज्यादा ही कपड़े लोग पहनाते हैं लेकिन पहले लोग बच्चों को इतने ज्यादा कपड़े नहीं पहनाते थे <laughs> बच्चों को ज्यादा कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है <laughs> क्योंकि उनके अंदर वो उस प्रकार का सेंस नहीं होता है जेंडर डिफरेंस कुछ खास ऐसा उनके जब तक वो आ, हाँ, सयान नहीं होते हैं तब तक वो सेंस नहीं होता है और बच्चे को ज्यादा कपड़े पहना देंगे तो फिर उसका स्वाभाविक जो उसका सौंदर्य है वो तो आप कैसे आप उसको आप देखकर उसको आचवरण कर सकते हैं जब जो, जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को इस प्रकार से देखकर उसमें उनको संतुष्टि होती है उसके कोमल कोमल हाथ पैर होते हैं इत्यादि वो इसकी चेष्टा <laughs> गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा बंधन का कारण है <laughs> अशोक गोस्वामी भागवतम में इसकी चर्चा करते हैं कि गृहस्थ आई थिंक साथ में इस खंड में बात आती है जिसमें अंतकूप शब्द को प्रोपॉड इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ब्लैक होल ब्लैक होल कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है कल्पना किया हुआ ऑब्जेक्ट है जो भी है एनीवे तो जो बच्चे की जो काली काली भाषा होती है उसको वो सुनता है जब तो उसको लगता है कि कानों में मिश्री घुल रही है या मधु घुल रहा है उससे आसक्त तो हो जाता है बट एनी anyway, तो बच्चा जो होता है वो तो पहले तो इतना ज्यादा कपड़े नहीं पहनाते थे तो यहाँ श्री कृष्ण जब जा रहे इस प्रकार से तो अलग अलग वैष्णव कवियों ने ये सब लीलाओं का वर्णन अपने भजनों में किया है अपने पदों में किया है पूरे भारत भर में अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग राज्य हैं प्रांत उसमें अलग अलग संस्कृति में अ, सब लोगों ने कृष्ण के सुंदर जो बाल लीला और अलग अलग प्रकार के जो लीला है उनका सुंदर वर्णन किया है सुदास के भजन देखिए सुप क्या जबरदस्त वर्णन किया, जब किया उन्होंने मीराबाई हालांकि गौड़ीय संप्रदाय में थोड़ा सा हमारा उनके साथ डिफरेंस है सिद्धांत में बट फिर भी प्रभुपाद उनको रिकग्नाइज करते हैं भागवतम के आई थिंक सेकेंड कैंटो के एक, एक तात्पर्य में या फर्स्ट कैंटो के तात्पर्य में शी इज अ सेलिब्रेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड गिरिधारी उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है तो यहाँ भगवान के दिव्य रूप का भी हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि प्रभुपात हमारे ऊपर ये प्रभुपात की असीम कृपा है कि हमारे पास पिक्चर्स हैं ना है ना प्रभुपत कहते हैं कि पिक्चर्स आर द विंडोज टू किंगडम ऑफ गॉड विंडोज टू वैकुंठ तो जैसे हम लोग खिड़की में से थोड़ा सा ग्लिम्स पाते हैं खिड़की में से देखते हैं तो थोड़ा सा हमें कुछ झांकी मिलती है उसी प्रकार से जो शास्त्र में वर्णन किया उसके अनुसार जो चित्र जो बनाए गए हैं प्रभुपाद अपने शिष्य को प्रेरित किया था तो हमें भगवान के सुंदर रूप के ऐसे चित्र भी हमारे सामने हैं जैसे अभी ये यशोदा माई जो दामोदर को बांध रही है कहा ज्यादा कपड़े पहनाए प्राइवेट पार्ट कवर्ड ऐन द फ्रंट साइड तो कितने सुंदर दिखते हैं तो इसे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं और वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण का नाम ही वही है जो सबको आकर्षण करने वाले सबको आकृष्ट करने वाले वही कृष्ण है तो जब जा रहे थे ऐसे बड़ी तेजी से जा रहे थे एज इफ इज वेरी ईगर जब कृष्ण जब लीला करते हैं तो ऐसा नहीं कि ढोंग कर रहे हैं चलो मैं तो भगवान हूं लेकिन मैं थोड़ा बालक की तरह ढोंग कर लेता हूं ऐसा नहीं जब वो बाल्य लीला कर रहे हैं तो उसमें उनकी जो बाल चेष्टा हो जो होती है वो जो उसको एग्जिबिट करते हैं उसमें परफेक्शन होता है क्योंकि वह पूर्ण पोषण परमेश्वर है ओम पूर्ण बदा पूर्ण, वो पूर्ण है और जन्मादि से जत सब कुछ इस जगत में जितनी भी चेष्टाएं देखी जाती हैं, जितने भी भाव देखे जाते हैं उनका उद्गम उनका स्रोत कौन है श्री कृष्ण स्वयं जन्मादि से जत इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान इस जगत के बालक की तरह चेष्टा कर रहे हैं ऐसा नहीं है इस जगत के बालक भगवान की तरह चेष्टा करते हैं रियलिटी क्योंकि ऊर्दोमूलम मुलम शाखम ये जो भौतिक जगत जो क्या है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है यहां सब कुछ उल्टा होता है लेकिन प्रतिबिंब है इसलिए वहां जो भी आ, जहाँ वहां जो भी कार्यकलाप है वहां जितने भी भाव हैं जितनी भी चीजें हैं वो सब उनके मूल रूप में है शुद्ध रूप में है और इस बहुत ही जगत में सब कुछ वो उसका विकृत प्रतिबिंब है सौंदर्य इत्यादि सब कुछ यहां विकृत है भगवान के धाव सब कुछ मूल रूप में है तो यहां जब भगवान जब प्रकट हुए थे इस धरातल पर तो ये भौम वृंदावन तो एग्जैक्ट रेप्लिका जो गोलक वृंदावन है उसकी एग्जेक्ट रेप्लिका है ये भौम वृंदावन ब्रह्म संहिता का जो पहला ही श्लोक है आई I मीन mean पांचवी अध्याय का पहला है, जो हम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदान विक्रानादि राधे गोविंद कारणम। उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि इस भौ, भौम भौम वृंदावन और गोलक वृंदावन में कोई फर्क नहीं है एग्जैक्टली सेम है कोई फर्क नहीं है तो यहां भगवान अपने मूल भाव से प्रकट किए थे मूल रस यहाँ प्रकट किए थे इस धरातल पर भाव वृंदावन में, में और वो नित्य ऐसे वो लीला एनेक्ट होती ही रहती है जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है उनको देख पाते हैं तो श्री कृष्ण जब बाल या बाल कृष्ण जब ऐसे जा रहे थे बड़ी तेजी से भाग के जा रहे थे जो तो ढोंग नहीं कर रहे हैं टोटली वो ये अचिंत है एक्चुअली हम इसको आ, अपने भौतिक दिमाग से इसको समझ नहीं सकते हैं भगवान है, लेकिन मूल बालक है सब कुछ मूल वो है परफेक्शन में सब कुछ पूर्ण रूप से वही है बालक तो पूर्ण रूप से बालक वही है श्री कृष्ण ही है तो अंजलि में उनके धान भरा था बड़ी तेजी से भागी जा रहे थे और बच्चे की जो हथेली वो छोटी होती है छोटे से हाथ होते हैं छोटे से पैर होते हैं उसके तो कितना समा पाएगा कितना पकड़ेगा उसमें से और भी उसके उसका ग्रिप का भी ज्यादा सेंस नहीं होता है तो तो लेकर जा रहा था मुट्ठी मान लीजिए दोनों हाथ में पकड़ा होगा तो भी कितना पकड़ पाएगा वो तो रास्ते में गिर रहा था पूरा धान गिर रहा था जब भर के निकले तो तो बहुत पूरा अंजलि दोनों भरी थी लेकिन जब वो फल वाले के पास पहुंचे तो कुछ पाछे सनात गुस्वामी बता रहे किसी पाछे नाने बच गए थे क्या बचा कुछ नहीं फिर क्या किया जाकर फेंक दिया सनातन गोस्वामी बताते कि उन्होंने क्या किया उनके जो आ, फल वाली का जो टोकरी बोलते हैं बास्केट जिसमें फल थे उसमें फेंक दिया और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी विश्वनाथ ठाकुर तीनों बताते हैं कि वो जो फल जो थे वो पीलू फल थे अभी क्षमा करिएगा पीलू फल तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है आपको बता पता हो तो आप बता सकते हैं आजकल तो यह है कि कलयुग में उसको पता नहीं मतलब संस्कृत में इसको पीलू बोलते हैं शायद हम किसी और नाम से उसको जानते होंगे आई डोंट नो अच्छा लेकिन वो हमारी लैंग्वेज में कौन सा फल है वो वो पता नहीं ना एनीवे anyway, वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो उसमें पीलू फल थे और विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि जैसे वो रत्न जैसे थे रत्न जैसे दिख रहे थे वो फल तो भगवान ने थोड़ा धान फेंक दिया वहां पाछे दाने बच्चा क्या करता है बच्चा ऐसे थोड़ी उसके बाद जरा वो सेंस हाथ में देना फेंक लाओ मुझे बहुत सारे फल दो मुझे फल दो मैंने दिया ना तुम्हें धान दिया ना मुझे फल दो अभी तो कुछ बचा नहीं था लेकिन ये जो पुलिंद स्त्री जो थी वो तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का रूप देकर और उस क्षेत्र में उसका आना हुआ वहां जन्म हुआ तो साधारण स्त्री तो होगी नहीं वो या तो ऑलरेडी सिद्ध होगी या तो फिर जो सिद्धि प्राप्त करने की तैयारी है ऐसी व्यक्ति वहां उस लीला में पार्टिसिपेट किया होगा डेफिनेटली तो कृष्ण का रूप देकर बहुत आकृष्ट हुई और बहुत अनुराग था कृष्ण के प्रति उनका तो कृष्ण को देखती ही रही वो एकटा कृष्ण के प्रति देखती रही उसको और कहीं उसका ध्यान नहीं था वो कितना दाना उसने डाला टोकरी में वो सब कुछ नहीं उसने उस स्त्री ने फल थे तो जितना भी फल समा उनके हाथ में आ सकता था कृष्ण की हथेली में उतने फल दे दिए वहां हालांकि यहां जू के बताते हैं कि उन्होंने दिव्य शक्ति से भगवान अपनी दिव्य शक्ति से बहुत सारे फल पकड़ लिए जब वो ग्रेन्स जो था अन्न था वो तो गिर गया था लेकिन फल उन्होंने बहुत सारे पकड़ लिए तो यहां भगवान सबको फल देने वाले हैं लेकिन ये बताया ना कि आ, या फलार्थ ल ही अपूरयत उनकी हथेली में आया नहीं पहले एक एक, एक मिनट है इसमें बताया सर्व फल भगवान स्वयं सबको फल देने वाले हैं लेकिन वह स्वयं कुछ कुछ फल देने के लिए स्त्री के पास गए तो प्रभुपाद बता दें कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है गीता का श्लोक कोट करें प्रभुपाद पत्रम पुष्प फलम तो यम यो में तदम भक्ति परहितम अशनामी तो यहां ये स्त्री ने भक्ति से प्रेम से डेफिनेटली कृष्ण ने जो वहां आ, जो धान दिया पांच दाने थे उसके बदले में तो क्या फल देगी स्त्री लेकिन वो दैट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन बात थी नहीं यहां बात हो रही थी प्रेम थी प्रेम की प्रेम का विनिमय था तो ये जो स्त्री थी उसने कृष्ण के प्रति उसका बहुत तीव्र अनुराग था तो उसने जितना भी फल वो दे सकती थी उसके हाथ में आस दे दिया तो भगवान ने उसको स्वीकार किया ये ये क्या है ये जैसे यहां बताया ना ये फल दिया ये स्त्री ने ये फल दिया भगवान को जो स्वयं सबको फल देने वाले हैं धर्म का मोक्ष और हमारी भक्ति का फल सबका फल देने वाले कृष्ण स्वयं है स्वयं फल की इच्छा से स्त्री के पास गए और स्त्री ने उनको फल दिया और भगवान ने उसको भक्ति से दिया यौमी भक्तियां प्रयत्षति अब भगवान उसका स्वीकार किया तो जैसे महाभारत में बात आती है दुर्योधन वाज अ वेरी क्रिकेट मैन इनफैक्ट क्रिकेटनेस पर्सनिफाइड क्योंकि वो कलिकांश था तो पॉलिटिकल रीजन है कृष्ण को निमंत्रण दिया मेरे घर में आइए और फीस खाइए और उसी समय विदुर के वहां से भी इनविटेशन था या किसी और समय जो भी है लेकिन कृष्ण तो दुर्योधन के महल में नहीं गए दुर्योधन का जो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया बल्कि कहां गए विदुर के घर पे गए और विदुर सिंपल मैन वो स्वयं यमराज लेकिन यहाँ दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था तो और ही लिव वेरी सिंपली तो उनके पास तो कोई फीस्ट ऐसा खिलाने खिला ऐसी प्रकार से वर्णन नहीं मिलता है महाभारत में सिंपल नैवेद्य श्रीहरि को अर्पित किया विदुर उनकी पत्नी ने और भगवान उसको सहर्ष उसको स्वीकार किया तो क्यों स्वीकार किया और विदुर का क्यों स्वीकार किया और दुर्योधन का क्यों स्वीकार कर दिया क्योंकि दुर्योधन का हृदय सरल नहीं था वॉज क्रुकेड तो यह सिद्धांत है तो भक्त का जो हृदय वो सरल होना चाहिए और जो क्रुकेडनेस के साथ जो जिसके हृदय में कपट है वो कपट से कपट भाव रखे वो यदि भगवान को कुछ अर्पित करता है प्रोपात तात्पर्य बताते हैं कि वो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं जिसकी जितनी शक्ति है उसको यथाशक्ति उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए पत्रम पुष्पम फलम भक्ति भक्ति के साथ भक्ति के साथ भगवान को ऑफर ऑफर कर, करना चाहिए और प्रभुपात आगे सिद्धांत यह भी बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें प्रेम पूर्वक <laughs> आमदनी में से कुछ न कुछ वैसे स्टैंडर्ड तो उसके हाई है कम से फिफ्टी परसेंट <laughs> <laughs> आजकल का लेकिन लोगों का सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया इट्स डिफिकल्ट <laughs> कितना परसेंट देना चाहिए सर <laughs> वो करना मुश्किल हो जाता है इसलिए वर्णाश्रम में सब चीज की क्लैरिटी आती है एक्चुअली एनीवे anyway, तो कुछ ना कुछ अपने आमदनी में से फिक्स करके इसलिए हमारे पास मंदिरों में ऐसे अः वो एक सिस्टम होती है ना कुछ सेवक अलग अलग प्रकार के टर्म्स बनाते हैं भाई इतना दे तो नित्य सेवक एग्जैक्टली exactly, या नित्य सेवक तो अच्छा है कुछ ना कुछ लोगों को हम ऐसे एनकरेज करते हैं कि भाई तुम भगवान को दान तो कुछ क्योंकि यज्ञ दान तपस्या भगवान बता दें गीता में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए इवन सन्यासी को भी नहीं यज्ञ दान तपस्या सभी के लिए आवश्यक है फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल एट एनी फेज ऑफ लाइफ इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ इसलिए कुछ ना कुछ अपने आमदनी में से भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा इनफैक्ट सब कुछ भगवान के लिए ही है है ना इसलिए है जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं इदम विष्णुवे, इदम न ममा यह किसके लिए है विष्णु के लिए है मेरे लिए नहीं है वो वो बोलते देखिए हम लोग जो छह वेदांग है शिक्षा कल्प छंद व्याकरण निरुक्त ज्योतिष मैं शायद ठीक ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूं लेकिन शिक्षा जो उसमें है आप जरा सोचिए मैं थोड़ा सा डिविएशन ले रहा हूं या टॉपिक में शिक्षा जो शिक्षा की जो टेक्स्ट है उसमें शुरुआत में ही बताया कि कैसे शब्द का उच्चारण होता है जरा सोचिए ये शरीर और आत्मा का वैसे देखा जाए तो इंट्रिंसिकली कोई कनेक्शन नहीं है नेचर वाइज एक मैटर एक एंटीमैटर प्रोपात कहते हैं में प्रोपात एंटीमैटर बताते हैं स्पिरिट सोल को तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है तो ये हम जो ये, ये हमारी जो फैकल्टी है ये पर्टिकुलर इसमें से हम लोग उच्चारण करते हैं तो कैसे उच्चारण होता है आत्मा तो अलग एंटिटी है और ये तो शरीर है तो शिक्षा के इनिशियल सेक्शन में ही कैसे आत्मा के संकल्प से सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में जो मैसेज जाता है हमारा सॉफ्टवेयर है मन और हार्डवेयर है ब्रेन और कैसे वो सब फैकल्टीज जुड़ी हुई है यहाँ मस्तिष्क में सब कुछ है हमारे सब उसके पूरे बॉडी के अलग अलग फैकल्टीज के सेंटर है यहाँ लेकिन उसका प्रोग्रामिंग होता है मन में इसलिए उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो कैसे वो आत्मा के संकल्प से वो यहाँ मैसेज जाता है और कैसे वो जीवाह हिलाता है और अलग अलग शब्द का उच्चारण होता है वहां से शुरुआत होते हैं शिक्षा के जो टेक्स्ट है तो हम जिस प्रकार की वाणी बोलते हैं दोनों चीज होती है किस प्रकार का हमारा संस्कार होता है वो उससे हमारी वाणी उस प्रकार से प्रकट होती है और जो वाणी हम बोलते हैं उस प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं वो डायरेक्शनल है इसलिए आ, संस्कृत भाषा के लिए भी आ, कई स्कॉलर्स ऐसे बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो लोग संस्कृत को प्रमोट करते हैं वो बता, वो बताते हैं कि संस्कृत uh, एक ऐसी भाषा है कि उसको सीखने से उसको उसमें अपना मन लगाने से बोलने से स्वाभाविक रूप से uh, व्यक्ति की लॉजिकल फैकल्टी डेवलप होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स प्रकट होता है क्योंकि संस्कृत देव भाषा बोली जाती है उसको देव भाषा बोलते हैं तो कोई व्यक्ति जब संस्कृत में बात करता है तो कुछ ना कुछ मात्रा में वो क्यों कुछ गाली भी क्यों ना बोलता हो लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में उसको सात्विक भाव के अनुभव होते हैं ये वाणी का प्रभाव है वो anyway, तो डायरेक्शनल है इसलिए इसलिए हमें ऐसा यज्ञ में ऐसा बोलवा बोलने के लिए बोलता है ब्राह्मण बोलो इदम ये तो मंत्र है सब वेद मंत्र है तो वेदों से आ रहा है सब इदम विष्णु इदम न ममा कि ये किसके लिए है विष्णु के लिए है मेरे लिए नहीं और विशिष्ट अद्वेत में यह कंसेप्ट आता है यह सिद्धांत बताया गया है शेष और शेषी हम लोग यहां हमारे आचार्य रूप गोस्वामी अंशरंशी की बात करते हैं लघु भागवत अमृत में उससे सिमिलर कंसेप्ट है बट थोड़ा सा अलग एंगल से शेष और शेषी तो देशिक इसको समझाते हैं पूर्व मीमांसा से जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा है तो जैसे यज्ञ है यज्ञ की वेदी बनाई गई है और यज्ञ के आसपास बहुत सारी सामग्री एकत्र की गई है आजकल कल युग में तो हम लोग ज्यादा यज्ञ देखते नहीं है लेकिन जो वेदों जो वेदों में जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ का जो वर्णन किया है कर्म उसको कर्म भी बोलते हैं कर्म अलग अलग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म लेकिन जो यज्ञ करना उसको भी कर्म कहते हैं तो आ, उसके लिए बहुत सारी सामग्री एकत्रित की जाए बहुत एलिबरेट अरेंजमेंट होती है बहुत एलेबरेट और बहुत एकदम शुद्ध रूप में होना चाहिए तो यज्ञ मतलब वो जो सामग्री जो यज्ञ के आसपास जो एकत्रित एक की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है उसका यज्ञ में उपयोग होना है कोई भी ऐसी चीज रखेंगे क्या जिसका यज्ञ में उपयोग नहीं होना है नहीं होगा तो केवल ऐसी चीज रखी जाएगी जो यज्ञ एक्सक्लूसिवली इट इज मेंट ओनली टू बी यूज फॉर द सेक्रीफाइस एक्सक्लूसिवली और उसका कोई उद्देश्य नहीं है उसका वहां जो अस्तित्व है उसका एकमात्र कारण है वो यज्ञ में उसका उपयोग होना है और उसका कोई कारण नहीं उसके अस्तित्व का वहां तो उसको शेष बोलते हैं और जिसके लिए उपयोग होना है उसको क्या बोलते हैं शेषी रामानुचार्य ओरिजिनली जो विशिष्ट दिया था एक्चुअली ओरिजिनल एक्चुअली विशिष्ट अद्वेत प्राचीन काल से है बोधायन उधायन मुनि के राइटिंग्स में एक्चुअली विशिष्ट अद्वेत है इसलिए रामुराचार्य ने श्रीभाष्य लिखने के लिए किसका उपयोग किया था बोधायन वृत्ति एनी anyway, तो फिर वेदांत ऋषि उसको और भी एलिबरेट वे में समझाते हैं तो यज्ञ है वो शेषी है और उसके आसपास जो सामग्री रखी जाती है वो शेष है इसकी चर्चा मीमांसा में आती है उसको वहां से बताते हैं तो उसी प्रकार से जीव जो है उसका एकमात्र अस्तित्व क्या है क्यों है भगवान की प्रसन्नता श्री हरि की प्रसन्नता शेषी नारायण की प्रसन्नता उसका एकमात्र उपयोग क्यों क्या है और उसका उसका अस्तित्व का मतलब उसका अस्तित्व का कारण जैसे मैंने बताया कि वो जो सामग्री का अस्तित्व जो है वो वहां क्यों है केवल यज्ञ के लिए है और उसका अस्तित्व का कोई कारण नहीं है वहां उसी प्रकार से जीव का वास्तविक अस्तित्व का एकमात्र कारण है श्रीहरि के भोग के लिए इसलिए जीवा जो जीव है वो सब क्या है शेष है और उन सबका मूल सबका ओरिजिनल शेष कौन है अनंत शेष ही इज द ओरिजिनल सर्वेंट वो हमें इसलिए हमारे ओरिजिनल गुरु वो बताए गए हैं संकर्षण वो हमें सिखाते हैं ये भगवान को कैसे भगवान की कैसे सेवा करनी को कैसे सुख देना है इसलिए वास्तव में हर एक चीज केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उपयोग करना चाहिए हमारा सब कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए लेकिन चूंकि हम लोग इस भौतिक जगत में अनादिकाल से भोक्ता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं इसलिए हमें यह सिखाया जाता है कि चलो यू लर्न सेक्रीफाइस ग्रेजुअली इसलिए हमसे बुलवाते हैं इदम विष्णु इदम ये संस्कार डालो अपने दिमाग में बुलवाते हैं ब्राह्मण हमसे यज्ञ में आहुति देते समय वहां भले ही विष्णु मूर्ति नहीं है लेकिन अग्नि है ना अग्नि जो है अग्नि कौन है वो विष्णु की जिहा है इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि हमने हमारे घर में बचपन में ऐसे यज्ञ देखे हैं हमने बुलवाते हैं ब्राह्मण इदम विष्णुवे इदम न मतलब ये जो सामग्री जो मैं डाल रहा हूं उपयोग कर रहा हूं वो तो क्या है सब शेष है ये मेरे लिए नहीं है किसके लिए शेषी के लिए, लिए? विष्णु के लिए है विष्णु 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 के लिए मेरे लिए नहीं है तो इस प्रकार की सेक्रीफाइस की जो भावना है वो डेवलप करने के लिए यहां प्रोपात बता रहे मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा तो भगवान श्री कृष्ण शरेश्वर पूर्ण है तो भगवान को हमें भगवान को हमसे कोई अभिलाषा नहीं है वो तो पूर्ण है अपने आप में मनुष्य को बहुत सारी कमियों, कम, कमियों भ्रम ये ये ही है और कमियां इसलिए महसूस करा कि, कि वो भगवान की पूर्णता को नहीं समझता है। और वो कैसे भगवान का अंश है वो नहीं अंश होने की वजह से कैसे स्वयं ही पूर्ण है वो नहीं जानता इसलिए वो कमियों को महसूस करता है और वो भगवान की चूंकि भगवान से विमुख हो चुका है इसलिए वो अपूर्णता का अनुभव कर रहा है तो एक्चुअली भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए भगवान अपने आप में पूर्ण है लेकिन भगवान को जब हम कुछ देते हैं उससे हित किसका होता है हमारा खुद का वो हमारा खुद का हित है उसमें तो वो सिद्धांत यहां प्रभुपाद इस तात्पर्य बता रहे हैं किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को कुछ देना चाहते तो उसमें इसमें उसी का लाभ है और प्रभुपात बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है है ना कोई व्यक्ति अपना मुख सजाता है यदि उसको आ, अपना प्रतिबिंब सजाना है यदि यदि मान लो अपना प्रतिबिंब सजाना चाहता है तो देखना चाहता है कि मैं अपने मेरा मेरा प्रतिबिंब मैं सुंदर हूं तो क्या हो? वो मिरर में थोड़ी श्रृंगार करेगा मीर में श्रृंगार नहीं करेगा ना जैसे मिरर के सामने खड़े हो गए मैंने यहां ये तिलक लगाया ये बिंदी लगाई ये लगा, यहाँ आभरण ऐसे वो वहां पेंट कर दिया ऐसे नहीं करेगा वो क्या करेगा वो स्वयं श्रृंगार अपना करेगा और स्वाभाविक रूप से जब वो प्रतिबिंब देखा था उसको वो स्वयं दिखा दिखने वाला है उसी प्रकार से यदि हम अपने ऐश्वर्य से अपने ऐश्वर्य से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें तो बदले में श्री कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप में हम लोग भी सुखी होंगे इसलिए वहां ब्रह्म सूत्र में बारहवा सूत्र वन वन ट्वेल्व आनंदमयोभ्यासात वह आनंदमय शब्द का जो उपयोग किया गया है वहां ये चर्चा उठ रही है बाधरायण ये चर्चा छेड़ते वहां पूर्वपक्ष उठा के कि भैया आनंदमय शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है जीव के लिए है कि फिर ईश्वर के लिए है ब्रह्म के लिए है तो वहां उपनिषद कोट करके वहां क्योंकि वो तो उपनिषद का ही डिस्कशन ब्रह्मसूत्र में उसका निर्णय किया गया है तो वहां बताया कि गोविंद भाषा में बलदेव विद्याभूषण बताते कि आनंद मय उसमें मय प्रत्यय लगा आनंद के पीछे तो पाणिनि को कोट करके बताते है, क्या है प्राचुर्य बता रहा है मय प्रत्यय क्योंकि तीन अक्षर का शब्द है क्या बता रहा है प्राचुर्य अर्थात विकार नहीं है तो जैसे प्राणमयी या अन्नमयी तो हमारा शरीर कैसा है अन्नमय यानी ये अन्न का विकार है मय प्रत्यय लगा पीछे लेकिन तीन अक्षर का शब्द नहीं है अन्न तो मय प्रत्यय लगा तो अन्न का विकार है प्राणमयी प्राण भी तो शरीर क्या है प्राण का विकार है लेकिन आनंदमय शब्द जो है वो केवल श्री कृष्ण के लिए उपयोग होता है ब्रह्म के लिए उपयोग होता है वहां वो बहुत डिटेल एनालिसिस वहां किया गया है तो प्राइमरी लिए आनंद शब्द बोले आनंदमय तो जीव के लिए भी उपयोग किया जा सकता है नॉट इन प्राइमरी प्राइमरी सेंस प्राइमरी सेंस में नहीं प्राइमरी सेंस में आनंदमय शब्द किसके लिए उपयोग होता है केवल श्रीहरी के लिए और सेकेंडरी सेंस में क्योंकि भोग मात्र साम्य लिंगाच जो मुक्तात्मा है वेदांत के अंत लास्ट सेक्शन में जो मुक्तात्मा है मुक्तात्मा का ऐश्वर्य या भोग किसके तुल्य बताया गया है श्रीहरि के तुल्य इसलिए जहां पर सूत्र आता है भोग मात्र साम्य लिंगाच कि मुक्तात्मा और श्रीहरि में साम्य कितना है इतना कितना भोग मात्र वहां मात्र शब्द का उपयोग किया गया है और वहां जगत व्यापार में एक्सक्लूजन एक्स्क्लू, दिखाया है जीव का मुक्तात्मा का भी कि जीवात्मा की कैपेसिटी है वो जगत व्यापार में नहीं है वहां वो पर्टिकुलरली बादरण उसको रूल आउट करते हैं ये हा या तो आ, भोग मात्र सामलिंग का अच्छा जीवात्मा जो है वो भोग मुक्तात्मा जो मुक्त आत्मा होता है वो चूंकि भगवान को भगवान की सेवा कर है। यहां बता रहे हैं ना प्रभुपाद कि यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो बदले में हम भी सुखी होंगे तो मुक्त आत्मा सुखी क्यों है वो भोग का साम्य क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहा है यहां ये पुलिंद स्त्री अति आनंदित हुई क्यों क्योंकि उसने श्री कृष्ण को आनंद दिया कैसे आनंद दिया फल देकर फल तो स्वयं भगवान फल देने वाले हैं सबको क्या दिया ने क्या किया दिया भगवान को अपनी भक्ति दी अपना अनु अपना अनुराग दिया प्रेम दिया तो तो भगवान उसको स्वीकार किया उसकी वजह से वो स्वयं भी संतुष्ट हुई स्वयं सुखी हुई तो मुक्तात्मा जो है जो वो पॉइंट कंप्लीट कर, करने के लिए कि मुक्तात्मा है वो भोग सभी भगवान के तुल्य है सिवाय एक के कौन सा कि वो जगत व्याप आद्य हाँ वो सृष्टि का सर्जन नहीं कर सकता समग्र ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकता हाँ वो एक दो ग्रह शायद बना सकता है जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया तो वो ठीक है वो हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना दिया ऐसा आ, कोई जीव स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते इसलिए सर्ग और विसर्ग दो बताया गया उसमें स्वर्ग श्रीहरि के द्वारा होता है विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा होता है एनीवे anyway, तो पॉइंट यहां यह है कि श्री कृष्ण सुखी रहते हैं यदि हम श्री कृष्ण को सुख दें एक्चुअली हम लोग श्री कृष्ण को सुख नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो इच्छा है ऐसा संकल्प है जब ऐसा होता है हमारा संकल्प वो वो संकल्प यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान की योग माया हमें सहाय करती है इंटरनल प्रोटेन से भगवान की हमें सहायता करती है और जीवात्मा का मूल स्वरूप है श्री कृष्ण की सेवा कर जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य कृष्णदास जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है तो उस प्रकार से जब करता है तो सेवा करता है भगवान की प्रेममय तो उससे बदले में उसको भगवान उसको स्वाभाविक रूप से वो सुखी होता है वो इट्स इंट्रेंसिकली इज लाइक दैट स्वाभाविक रूप से जब भगवान की वो प्रेममय सेवा करता है भगवान उसको जब सेवा को स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जीव प्रसन्न होता है उसके लिए फिर अलग से भगवान को चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं बट वो नेचुरली सिस्टम ऐसा ही है क्योंकि जीव शेष है और कृष्णा शेषी है इसलिए इंट्रेंसिकली वो ऐसा ही है संबंध ऐसा ही है स्वाभाविक रूप से जीव जो है वो कृष्ण की प्रेममय सेवा करके स्वयं प्रसन्न होता है स्वाभाविक रूप से तो यहां आगे विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि ये जो पुलिन्न स्त्री जो थी वो तो उस भगवान उसको तो, उसके जो टोकरी तो, थी वो रत्नों और सोने से भर दी जैसे ही उन्होंने ये स्त्री ने भगवान के हाथ हथेली में वो फल रख दिए वहां क्या हुआ बहुत ही पूरी जो टोकरी थी वो रत्नों से भर गई वहां तो वहां भी एक थोड़ा सा वो आ, एक, इस प्रकार से जो कुछ हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आ, पीलू पीलू जो फल है वो स्वयं ही रत्न जैसे होते हैं तो उन्होंने नोटिस नहीं किया ये जो पुलिन स्त्री उसने कुछ नोटिस नहीं किया वो तो और उसका तो ध्यान किस में था कृष्ण में था उसने कृष्ण का सौंदर्य देखा उसी में ध्यान था उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मुझे बदले में क्या मिला हालांकि उसकी टोकरी पूरी दिव्य रत्नों से भर गई थी फिर भी फलवाली ने उनके दोनों हाथों में हाथों को फलों से भर दिया उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई फले फलेर पूरे ही फल भाणम पूराकिस्त्री ने उस अभिलाषा से नहीं दिया था जो फल दिया था कृष्ण के हाथ में तो उस अभिलाषा से नहीं होते तो स्वाभाविक नेचुरल जो लव एंड अफेक्शन था कृष्ण के प्रति उससे ही प्रेरित होकर दिया था लेकिन भगवान ने विनिमय भगवान ने बदले में उसको बुरा उसका टोकरी रत्नों से भर दी इसलिए प्रो बात क्या बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में लाभ है कि जब भगवान की हम प्रेम में ही सेवा करते हैं क्या यो में भक्त्या प्रयत्ती भक्ति से जब देते हैं तो क्या कहते हैं भगवान हमें उसको कई गुना देकर देते हैं हमें कई गुना रेसिप्रोकेट करते हैं मटीरियल से भागवत ने बताया अकाम तीव्रेण भक्ति योग्युरुषम परम कि व्यक्ति के पास कोई भौतिक इच्छा है या नहीं है किसी भी हालत में उसको क्या करना चाहिए तीव्र भक्ति करनी चाहिए तो भगवान मटीरियल एंड स्पिरिचुअली बोथ रेसिप्रोकेट करते हैं हालांकि महाप्रभु ने क्या सिखाया है न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगड़ी शिका लेकिन यहाँ यह सिद्धांत है यह लीला के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से कुछ भी अर्पित करता है मैं उसको कई गुना करके उसको वापस देता हूं बोथ मटे स्पिरिचुअली तो यहां रत्न शब्द का जो अर्थ है वो फिजिकल सेंस में भी लेना है और सबसे सर्वोत्तम रत्न कौन सा है कृष्ण प्रेम तो वो भी वहां विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि उसको वास्तविक रत्न प्राप्त हुआ क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो ये पुलिंदा स्त्री जब घर लौटी तो तो पूरा कृष्ण में डूबी हुई थी और उसने घर पहुंचने के बाद ही नोटिस किया कि उसके जो टोकरी थी वो दिव्य रत्नों से भरी भर गई थी तब तक नोटिस भी नहीं किया इसीडेंट केयर तो उसको दोनों मिला उसको कृष्ण प्रेम मिला मटेरियल स्पिरिचुअल ऑपिलेंस मिला उसको कृष्ण प्रेम मिला और मटेरियल ऑपिलेंस मिला उसको टोकरी उसकी दिव्य रत्नों से भर गई थी हरे कृष्ण इस विषय में कुछ आप कुछ ऐड करना चाहते हैं हाँ तो समय उनको भारी सा फील नहीं हुआ <laughs> विचार ही नहीं था क्योंकि totally वो वो शारीरिक भाव में थी वो कॉन्स्टेंटली कृष्ण के ऊपर चिंतन कर रही थी ऐसा तो इवन मटेरियल लव में भी होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी जो होते हैं वो एक दूसरे के चिंतन में इतना डूब जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या उठा के लगे कुछ सेंस नहीं, पता नहीं चलता है उनको तो ये तो स्पिरिचुअल है तो उन्होंने नोटिस नहीं किया वो तो पूरा कृष्ण के ख्याल में डूबी हुई थी हाँ मेरे मन में वही चल रहा था तो जा तो